एवं अंगदान का एक ही नियम बने। दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन स्वस्थ सबल भारत कॉन्वेकेल के रूप में संपन्न हुआ। दधीची देहदान समिति दिल्ली के तत्वावधान में हुए 2 दिवसीय सेमिनार में पूरे भारत में 22 राज्यों के 46 संगठनों में 51 प्रमुख समाज सेवकों को आमंत्रित किए गए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व युग दधीची देहदान संस्थान प्रमुख मनोज सेंगर व अलीगढ़ के डॉक्टर एस के गौर ने किया। सेमिनार का प्रारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया द्वारा वर्चुअल किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद, नोटो के प्रतिनिधि सांसद मीनाक्षी लेखी सहित सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने इस सत्र की अध्यक्षता किया, जिसमें अंगदान व देहदान को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने की योजना बनी। दूसरे दिन आयोजन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि देहदान व अंगदान हेतु आप सब मिलकर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएं एवं पूरे भारत में एक ही नियम बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। शाम को संसद टीवी द्वारा सभी प्रतिभागियों को लेकर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जो उसी दिन शाम 7 बजे प्रसारित हुई। कार्यक्रम में महाराष्ट्र से चंद्रकांत मेहर, उत्तराखंड एम्स से डॉक्टर रजत सिंह, उड़ीसा से प्रभास आचार्य, कर्नाटक से डॉक्टर बत्सला त्रिवेदी, राजस्थान से ललित सचेती, मध्य प्रदेश से नंद किशोर व्यास, तेलंगाना से गड़जी ईश्वर लिंगम, उत्तर प्रदेश से युग दधीची देहदान संस्थान प्रमुख मनोज सेंगर, आलोक कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। स्वस्थ सबल भारत के राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में दधीची देहदान समिति के माध्यम से संपन्न किया गया। 3 और 4 सितंबर को आयोजित की गई इस राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया गया था। 22 राज्यों से 46 संगठनों के 51 प्रमुख जन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की देहदान और अंगदान के विषयों पर चर्चा की गई और उसकी संभावनाओं को तलाशा गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार एवं राज्यसभा सांसद श्री सुशील मोदी जी एवं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि पूर्व में स्वास्थ्य सचिव भी रहे हैं, वे निरंतर 2 दिन तक हमारे साथ इस कार्यक्रम में मंथन करते रहे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी भी हमारे साथ निरंतर रहे। इसके साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने इसमें भाग लिया। हम लोगों ने विभिन्न अंगदान और देहदान की समस्याओं पर विचार करते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े अभियान के रूप में संपन्न करने का निर्णय लिया हुआ।